हम जब भी कभी जंगल के खतरनाक जानवरों के बारे में बात करते हैं तो हमारी इस लिस्ट में सबसे ऊपर उन जानवरों के नाम आते हैं जो अपने बड़े शरीर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि जंगल में पाए जाने वाले छोटे जानवर खतरनाक नहीं हो सकते, क्योंकि आज हम आपके सामने दो ऐसे जानवर को लेकर आए हैं जो दिखने में भले ही छोटे हो, लेकिन जब आप इनके हमलों और हिम्मत को देखेंगे तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इनमें से एक है पोर्क्यूपाइन तो दूसरा है हेजहॉग। ये दोनों ही अपने शिकार के लिए किसी चलती फिरती मौत से कम नहीं होते। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए जानते हैं इन दोनों शिकारियों के बारे में। पोर्क्यूपाइन। सबसे पहले हम आपको जिस जीव के बारे में बता रहे हैं उसे पोर्क्यूपाइन के नाम से जाना जाता है। इसका शरीर दिखने में तो किसी नेवले के जैसा ही होता है, लेकिन यदि आप इसके शरीर पर मौजूद कांटों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये नेवले से भी कई गुना अधिक खतरनाक है। इसके इन कांटों को क्विल्स कहा जाता है, जो असलियत में इतने नुकीले और खतरनाक होते हैं कि अगर कोई शिकारी इन्हें मारने के लिए इनके पास भी आता है तो ये अपने इन कांटों से उसका बुरा हाल कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर इनके ये कांटे नीचे झुके हुए ही होते हैं, लेकिन जब कोई जानवर इनकी तरफ बढ़ता है या इन्हें किसी से खतरा महसूस होता है तो ये अपने कांटों को ऊपर कर देते हैं, जिसके कारण उस जानवर को ही चोट लग जाती है। कई मामलों में तो ये चोट इतनी भयानक होती है कि उस शिकारी की जान भी ले लेती है। पोर्क्यूपाइन वर्सेस लेपर्ड। यहाँ हम देख रहे हैं कि जंगल में दो लेपर्ड अपने शिकार की तलाश में निकले हुए हैं, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है अपने सामने से गुजरते दो पोर्क्यूपाइन पर, जो अपनी ही मस्ती में चले जा रहे हैं। अब बिना वक्त गवाए दोनों लेपर्ड उनकी तरफ अपने कदमों को बढ़ा लेते हैं। हालांकि एक लेपर्ड पहले ही रुक जाता है, लेकिन दूसरा लेपर्ड उनके पास जा पहुंचता है और उन पर हमला करने के लिए एक सही जगह का चयन करने में लग जाता है, क्योंकि शायद ये लेपर्ड भी जानता है कि अगर उसका हमला थोड़ा भी चुका तो पोर्क्यूपाइन के कांटों से वो खुद ही घायल हो जाएगा। वो कभी नीचे लेट जाता है तो कभी पोर्क्यूपाइन पर अपने पंजे से हमला करने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ पोर्क्यूपाइन भी जैसे ही देखता है कि लेपर्ड उसे पंजे से मारने वाला है तो उसकी तरफ अपने कांटों को आगे कर देता है, जिसे देख लेपर्ड को भी पीछे हटना पड़ता है। इन दोनों जानवरों के बीच ये लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन लेपर्ड के हाथ कुछ नहीं आता। आखिर में दोनों पोर्क्यूपाइन वहां से भाग जाते हैं और साथ में लेपर्ड को कुछ कांटे भी गिफ्ट में दे जाते हैं। पोर्क्यूपाइन वर्सेस लायन। ऐसा ही एक और मामला तब देखने को मिला जब पोर्क्यूपाइन के सामने जंगल के कोई आम शिकारी नहीं बल्कि कुछ शेर ही आ पहुंचे, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उन्होंने गलत जानवर का रास्ता रोक लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जंगल में कुछ जवान शेरों की नजर रात के वक्त एक पोर्क्यूपाइन पर जा पड़ी। उन्होंने जैसे ही ये देखा कि पोर्क्यूपाइन अकेला है तो उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया, लेकिन उनके सामने यही एक समस्या थी कि वे इस पर हमला कैसे करें, क्योंकि वे जब भी पोर्क्यूपाइन पर हमला करने के लिए आगे आते वैसे ही पोर्क्यूपाइन अपने कांटों को उनके सामने कर देता। आखिरकार हिम्मत करके एक शेर ने उसकी तरफ अपने कदम भी बढ़ाए, लेकिन पोर्क्यूपाइन ने तुरंत ही उसकी तरफ कांटे आगे कर दिए और शेर को एक कांटा भी लग गया। शेर ने तुरंत ही अपने कदमों को पीछे हटाया और उस कांटे को निकालकर सीधा वहां से चलता बना। यही नहीं, उसके जाते ही बाकी के शेर भी उसके पीछे चल दिए। यानी आप खुद ही सोचिए कि पोर्क्यूपाइन के कांटे कितने दर्दनाक होते होंगे। पोर्क्यूपाइन वर्सेस लेपर्ड। ऐसा लगता है कि लेपर्ड को पोर्क्यूपाइन कुछ ज्यादा ही पसंद होते हैं, तभी तो इन्हें जहां ये शिकार नजर आता है तो ये वहां तुरंत ही पहुंच जाते हैं। जैसे इस जगह भी एक लेपर्ड ने शिकार करने के इरादे से एक पोर्क्यूपाइन का रास्ता रोका हुआ है। लेपर्ड उस पोर्क्यूपाइन के आसपास घूमने लगता है, तो वहीं आप पोर्क्यूपाइन को देखेंगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए ना केवल इस जगह से निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, जबकि साथ ही जब भी लेपर्ड उसकी तरफ अपने पंजे या मुंह बढ़ाने की कोशिश करता है तो अपने कांटों को उसके सामने कर देता है, क्योंकि शायद पोर्क्यूपाइन भी इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि केवल उसके कांटे ही हैं जो उसकी जान को बचा सकते हैं, वरना लेपर्ड जैसे शिकारी से बचना भला कहां आसान है। इधर कड़ी मशक्कत करने के बाद भी जब लेपर्ड को कुछ नहीं मिलता तो वो चुपचाप एक जगह बैठ जाता है और पोर्क्यूपाइन की जान बच जाती है। हेजहॉग।
अब बात करते हैं इस दूसरे जानवर हेजहॉग के बारे में। वैसे अगर आपने पहले कभी किसी हेजहॉग को नहीं देखा है तो आपको बता दें कि इन्हें देखने के बाद आप यही सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल किसी चूहे के जैसे दिखाई देते हैं। इन हेजहॉग का शरीर बेहद सुंदर होता है, जिसे देखने के बाद लोग इसकी तरफ आकर्षित होने से भी नहीं रुक पाते। लेकिन रुकिए, आप भी कहीं इनके छोटे और सुंदर शरीर को देखकर इन्हें शरीफ समझने की भूल तो नहीं कर रहे, क्योंकि दिखने में भले ही ये कैसे भी हो, लेकिन इनकी असलियत काफी चौंकाने वाली है। दरअसल इन हेजहॉग के शरीर पर नुकीले कांटे होने के साथ ही इनके मुंह में धारदार दांत भी होते हैं, जो इनको अपने शिकारी से रक्षा करने के काम आते हैं। हेजहॉग के ये दांत इतने नुकीले होते हैं कि किसी भी शिकारी को बड़ा घाव दे सकते हैं। हेजहॉग वर्सेस किंग कोबरा। इस वीडियो में एक किंग कोबरा आज शिकार की तलाश में बाहर निकला हुआ है। उसकी रफ्तार और इधर उधर घूमती नजरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अपने शिकार के लिए आज उसके इरादे कुछ ज्यादा नेक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एक हेजहॉग बिना किसी परवाह किए बस चला जा रहा है। उस बेचारे को तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि उसके रास्ते में एक किंग कोबरा आने वाला है, जो अपने लिए किसी शिकार का इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर में वो मोमेंट भी आ जाता है जब वे दोनों जानवर आमने सामने आ पहुंचते हैं। जैसे ही किंग कोबरा हेजहॉग को अपने सामने देखता है तो अपना फन फैला देता है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये हेजहॉग पर हमला करने के बजाय उससे डरने लगता है। शायद इस किंग कोबरा को इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि हेजहॉग के कांटे उसके लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। वहीं सबके बीच हेजहॉग आगे बढ़ जाता है और किंग कोबरा की पूंछ को काटना शुरू कर देता है। उसके इस हमले से कोबरा भी तिलमिला उठता है और वहां से भागकर अपनी जान बचाना ही सही समझता है। हेजहॉग वर्सेस कैट। इस वीडियो में एक बिल्ली और हेजहॉग मस्ती से अपना खाना खाने में लगे हुए हैं। बिल्ली जहां अपने खाने को चट करने में लगी है, तो वहीं हेजहॉग के पास भी हड्डी का एक टुकड़ा है, जिसे वो अपने नुकीले दांतों से कुतरने में जुटा हुआ है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इस हेजहॉग के पास अपनी हड्डी में खाने के लिए कुछ नहीं बचता और अब उसे अपने सामने एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, और वो ऑप्शन है बिल्ली का खाना। बस फिर क्या, हेजहॉग एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता कि अगर उसने बिल्ली के खाने में अपना कब्जा जमाने की कोशिश की तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन हेजहॉग तो ठहरा बहादुर जानवर। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही बिल्ली के पास पहुंचकर उसके खाने पर टूट पड़ता है। हेजहॉग के इस बर्ताव को देखकर बेचारी बिल्ली भी डर जाती है और अचानक ही दूर हट जाती है। इधर बिल्ली के हटते ही हेजहॉग उसके खाने पर टूट पड़ता है। बिल्ली एक बार तो अपने खाने के लिए हेजहॉग के पास भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल चुपचाप होकर बैठ जाती है। शायद उसके मन में भी यही डर है कि कहीं वो अपना खाना लेने के लिए हेजहॉग से भिड़े और कहीं खुद ही घायल ना हो जाए। हेजहॉग वर्सेस डॉग। हेजहॉग के इन वीडियोस को देखने के बाद ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ये भले ही दिखने में छोटा है, लेकिन ज्यादातर जानवर इसके सामने खौफ खाते हैं। जैसे अब इस डॉग को ही देख लीजिए, जिसके सामने एक छोटा सा हेजहॉग मौजूद है। जैसे ही वो कुत्ता उस हेजहॉग के पास जाने की कोशिश करता है तो हेजहॉग उसकी तरफ ही बढ़कर उसे डराने से पीछे नहीं हटता, जिसके बाद वो कुत्ता वहां से दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन वो अभी भी इस नन्हे से हेजहॉग को परेशान करने से बाज नहीं आ रहा। बार बार वो कुत्ता उसके आसपास घूमकर उसको परेशान करने में लगा हुआ है, तो वहीं ये नन्हा शैतान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार तो दोनों इसी तरह से लड़ते हुए एक दूसरे के काफी पास भी आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो कुत्ता अचानक से हेजहॉग से दूर हो जाता है। ये कहानी इसी तरह से चलती रहती है, लेकिन मजाल है कि डॉग उस हेजहॉग को छू भी पाया हो। खैर, इसे डॉग की समझदारी कहें या इन दोनों जानवरों की मस्ती, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर जानवर के मन में हेजहॉग के लिए थोड़ा डर तो जरूर है। तो दोस्तों, ये थे जंगल के वो नन्हे शैतान जिनका शरीर भले ही छोटा और लुभावना होता है, लेकिन इनका स्वभाव किसी आक्रामक शिकारी से कम नहीं है। ये जब तक शांत होते हैं तब तक तो किसी से नहीं उलझते, लेकिन जब ये अपने पर आते हैं तो फिर शेर जैसे जानवर को भी भागने पर मजबूर कर देते हैं।
वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।